बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई वेलकम यू ऑल टू मेहर वर्ल्ड किचन। आई होप आप सब और आपके प्यारे खैरियत से होंगे और सेफ होंगे। आज फिर से हम एक बार किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने वाले हैं। आई होप यू विल लव दिस रेसिपी एंड श्योरली ट्राई इट आउट। आज हम बहुत ही मज़ेदार से कीमा नान बनाएंगे, पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट नाउ और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो सके। चलें जी, तो अपनी बहुत ही मज़ेदार सी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कीमा लिया है, उसके बाद 2 कप मैदा, 1 मीडियम साइज का अनियन, 1/2 कप मिल्क, 1 टेबलस्पून ईस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून बटर लिया है और इसमें हमें धनिया और हरी मिर्च की ज़रूरत होगी। तो ये है हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के सिंपल से इंग्रेडिएंट्स। लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ये जो हमने दूध लिया था इसमें मैं ईस्ट डाल दूंगी, शुगर, सॉल्ट, इसको मैं मिक्स करके 10 मिनट्स के लिए रख देती हूँ ताकि ये जो हमारा ईस्ट है ये अच्छे से राइज हो जाए। जी, तो अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन ले लिया और ये जो हमने मैदा लिया था ये इसमें डाल देते हैं और इसके साथ इसमें मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी, बटर ऐड करेंगे और इसको मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ। जी, तो मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी हमने ये जो मिल्क में ईस्ट ऐड किया था ये इसमें डाल देते हैं और पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, और अगर हमें फिर इसके बाद पानी रिक्वायर्ड होगा तो हम बाद में ऐड करना स्टार्ट करेंगे। जी, तो इसी में ये जो हमने 1/2 कप मिल्क लिया था ऑलमोस्ट हमारा जो है ये डो रेडी हो गई है, लेकिन अभी इसमें मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून पानी ऐड करूँगी। जी, तो आई हैव नीडेड इट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स और अभी इसको ऑयल लगा देती हूँ और मैं इसको कवर करके वार्म प्लेस में एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए रखती हूँ ताकि हमारी जो डो है वो राइज हो जाए और हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर इतनी देर में स्टार्ट करते हैं। जी, तो अब हमने अपने बहुत ही मज़ेदार से जो नान है उनकी फिलिंग रेडी करनी है, तो उसके लिए मैंने ये एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। अभी हम इसमें कीमा डाल देते हैं और इसको हम बहुत अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जी, तो मैंने इसको हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए बहुत अच्छा से फ्राई किया है एंड आई होप यू कैन सी इट, इसका कलर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अभी हम इसमें ये जो हमने अनियन लिया था ये ऐड कर देंगे, थोड़ा सा फ्राई करते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करते हैं ताकि इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। नाउ लेट्स ऐड द स्पाइसेस, पिसा हुआ धनिया, ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, गरम मसाला, मिक्स करते हैं अच्छे से और अभी इसमें मैं 1/2 कप पानी डाल के इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देती हूँ ताकि कीमा जो है ये अच्छे से गल जाए। कवर कर देते हैं इसको और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जी, तो आप देख लेते हैं, इसको मैंने स्लो फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए रख दिया था। अभी थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेते हैं एंड लेट्स ऐड कोरिएंडर एंड ग्रीन चिली,
मिक्स करते हैं अच्छे से। एंड नाउ लेट्स ऐड 2 स्पून ऑफ मैदा इनटू इट और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी नमी बाकी नहीं रहनी चाहिए और इसके अंदर बहुत अच्छी सी स्टिकीनेस आ जाए। जी तो मैंने इसको बहुत अच्छे से भून लिया और इसमें अभी बिल्कुल भी कोई नमी नहीं है। आई होप यू कैन सी इट वेल। अभी इसको मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ ताकि ये जो हमारी फिलिंग है ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। अच्छा जी तो इसको मैंने 30 मिनट्स के लिए रख छोड़ा था। अभी हम अपनी डो जो है इसको चेक कर लेते हैं। इसको बहुत अच्छे से पहले हम स्मूथ कर लेते हैं और इसको मैं एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए बहुत अच्छे से नीट कर लेती हूँ। जी तो ये हमारी बहुत ही स्मूथ सी डो जो है ये रेडी हो चुकी है और अभी मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ। तो इनको एक साइड पे करते हैं और एक पेड़ा हम ले लेते हैं सबसे पहले। इसको मैंने थोड़ा सा फैला लिया हाथ से। अभी हम इसमें अपनी फिलिंग जो है वो सेंटर में रखेंगे। और अभी हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। इसको साइड पे रख देती हूँ और बाकी पेड़े भी मैं रेडी कर लेती हूँ। जी तो ये तमाम जो है पेड़े इनमें मैंने फिलिंग कर ली है। अभी इनको साइड पे करते हैं और एक पेड़ा लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम हाथ से फैलाना स्टार्ट करते हैं लाइक दिस। इसको मैंने अच्छे से फ्लैटन कर लिया है। अभी हमने इसको दो तरह से बनाना है, एक हम बेक करेंगे और एक मैं आपको पैन में बना के दिखाऊंगी। तो पहले इसको हम बेकिंग के लिए डालते हैं। तो मैंने इसको बेकिंग ट्रे में बटर पेपर डाल के और इसको बेकिंग ट्रे में रख दिया। अभी हम हल्का सा इसमें फोक की मदद से पंच कर देते ताकि इसमें कोई एयर बबल्स ना बने। अभी इसके ऊपर जो ये बटर है मेल्टेड ये मैं ब्रश करूंगी। और इसके ऊपर हम सेसमी सीड्स डालेंगे। इसको रख के फिर हम जो हमने पैन में बनाना है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो मैंने यहाँ पे ग्रिल पैन ले लिया है, ऑप्शनल है, आप प्लेन पैन भी ले सकते हैं। और अभी हम इसमें अपना नान जो है वो बनने के लिए डालते हैं। अभी इसके ऊपर हम फोक से ऐसे कर देंगे और इसके ऊपर अभी हम बटर ब्रश कर लेते हैं। इसको हमने मीडियम टू स्लो फ्लेम पे बनाना है। और इसके ऊपर सेसमी सीड्स स्प्रिंकल करेंगे। नाउ लेट्स फ्लिप द साइड और लुक एट द कलर। ये एक साइड से बहुत अच्छा सा पक चुका है। अभी इस साइड पे भी हम बटर ब्रश कर देंगे। जी तो ये जो हमने बेकिंग के लिए नान रखा था ये भी बनकर रेडी हो चुका है। इसको भी हम निकालते हैं और फाइनल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अच्छा जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सी आज की रेसिपी कीमा नान बनकर रेडी हो चुके हैं और ये है इनकी फाइनल प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए। ये हमने नान बेक किया था और ये ग्रिल पैन में बनाया है। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। डू ट्राई इट एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि ये आपको कैसी लगी। बट माई मदर विल टेस्ट इट एंड शी विल लेट मी नो द फाइनल रिजल्ट। आई होप शी विल लव इट। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स टू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकअल्लाह खैर।